लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बैठक में मौजूद है, जो टास्क फोर्स की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री उस बैठक को ले रहे हैं और उसमें टास्क फोर्स के अधिकारी भी मौजूद है। अब ये फैसला इस बैठक से तय होगा कि आखिर लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं, इसको लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,353 नए केस आए सामने। और अब ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है। राज्यपाल की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई दलों की तरफ से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक टास्क फोर्स की बैठक है। टास्क फोर्स की बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि अहम बात यह कि इसी बैठक से तय होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक ली गई थी, अधिकारी उसमें शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे, जो विपक्षी दल हैं वो भी सहयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लॉकडाउन लगेगा महाराष्ट्र में, यह तय होगा इस बैठक से जो शुरू हो चुकी है। टास्क फोर्स की बैठक बताई जा रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे बैठक ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाई गई। कई राज्यों में इंजेक्शन की कमी हुई थी, इस वजह से रोक लगाई गई। कितनी डोज अब बची हुई है, देश में वैक्सीनेशन का हाल क्या है, इससे आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र का जिक्र करना होगा, जहां यह कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 3-4 दिन की ही वैक्सीन अब स्टॉक में बची है। इसके बाद पंजाब का हम जिक्र कर लें। पंजाब ये कह रहा है, पंजाब की सरकार ये कह रही है कि 4-5 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है, इसलिए वैक्सीन केंद्र सरकार को और हमें अवेलेबल करानी होगी। राजस्थान का भी हाल कुछ ऐसा ही है, राजस्थान में भी 4-5 दिन की ही वैक्सीन की डोज बची है। इसके अलावा दिल्ली का हाल थोड़ा सा बेटर है, अभी हफ्ते भर 10 दिन का स्टॉक दिल्ली के पास है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार आश्वस्त नजर आ रही है कि हर अस्पताल में, प्राइवेट हो या सरकारी, टीका उत्सव अपने अमल में लाया जा सकेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 5-6 दिन का स्टॉक बचा है। मध्य प्रदेश में भी 6-7 दिन का स्टॉक अभी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश, जहां के कुछ शहरों से, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर से, अस्पताल से ये खबर आई थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, वहां पर अभी सरकार का ये कहना है, यूपी सरकार का, कि 5-6 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है।